हेलो बच्चों, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक एवं हम परिसर कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना और परिसर हम कैसे निकालें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, उसमें हमारे पास संख्याएँ दे रखी है और उसको हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना और परिसर हमको निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य, फिर उसके बाद में हम निकालेंगे माध्यक, बहुलक और परिसर। माध्यक माध्य निकालने के लिए इन जो जितनी भी संख्याएं दे रखी होगी उनको हमें क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा। जितनी भी हमारे पास संख्याएं दे रखी है उनको हमें क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जो संख्या जैसे 1+4+5+6+7+8+11+15+12+3+8+8, ये क्या हो गई हमारे पास संख्या है जिनको हमने लिखी है यहाँ पर। अब हमको देखना है इनको टोटल करना होगा, नीचे क्या लिखेंगे। ये तो हमने लिख दिया प्लस में, इसके नीचे हम लिखेंगे जितनी भी ये संख्या है उनको हमें यहाँ लिखना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी हो गई, 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। 4, 4, 8, 4, 3 का 12। अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, फिर 12 से हमको इसको क्या करना है, भाग देना है। तो प्लस करके हमें लिखेंगे यहाँ पर, तो प्लस करने पर 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 में हम 6 प्लस करेंगे कितना आएगा, 16, 16 में 7 23 में हमें 8 प्लस करना है, तो 23 में यदि हम 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 31, 31 को 11 प्लस करिए, 31 में 11 क्या आएगा, 31 में हम 11 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 43, 31 में 11 प्लस कर लीजिए, 31 और 31 में हम 11 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, कितना आएगा, 42, और 42 में हमें प्लस करना है 15, तो कितना आ जाएगा, 57, 57 में हमें प्लस करना है 12, 57 में हम 12 प्लस करेंगे 69, 69 में हम 3 प्लस करेंगे, 69 में 3 प्लस करेंगे 70, 71, 72, 72 में 8 प्लस करेंगे तो 80, 80 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 88। इनका टोटल हमारे पास कितना आ गया, 88। तो हम यहाँ लिखेंगे 88 और नीचे हमारे पास क्या है, 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। 12 को उसको भाग देना, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिकी 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84 हो गया, 4 बचेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर 4 बचेगा, 12 तिया 36। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, माध्य। आंसर हो गया हमारे पास 7.33। हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। और माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं हमारे पास दे रखी है उनको हमें क्या लिखना होगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, आरोही क्रम में इसको हमें लिखना होगा। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी। तो आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम देखते हैं तो सबसे पहला है 1, 1 के बाद है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 8, 8 कितनी बार है, 3 टाइम, 1, 2 और 3। 8 के बाद में कौन सी है, 9 है नहीं इसमें, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 है और कौन सी है, 15 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 15। देख लेते हैं वापस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गई 12 संख्याएं। अब क्या करना है आपको, अब संख्या क्या है, 12 संख्या है और 12 संख्या मतलब सम संख्या है हमारे पास, क्या है, सम संख्या। तो उसका जो सूत्र होगा निकालने का वो होगा, सम संख्या का जो फॉर्मूला होता है n बटा 2 वा पद, n बटा
दो वा पद प्लस एन बटा दो प्लस वन वा पद, एन बटा दो वा पद, एन बटा दो प्लस वन वा पद बटा क्या जाएगा, दो। अब एन हमारे पास क्या है, संख्या कितनी थी, बारह, तो एन हमारे पास है बारह बटा दो वा पद प्लस बारह बटा दो प्लस वन वा पद, ये बटा में क्या है, दो। बारह में दो का भाग दिया, छः आएगा, तो छः वा पद कौन सा है, एक दो तीन चार पाँच छः, सात है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सात आ गया, और क्योंकि बारह बटा दो छः आएगा, छः में एक जुड़ेंगे सात, तो छः और, तो हमारे पास छठा पद और सातवां पद दोनों क्या लेना पड़ेगा, छठा और सातवां पद हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो छठा पद कौन सा है, यहाँ पे आएगा छठवां पद और यहाँ पे आएगा सातवां पद, तो दोनों ले लेंगे, छः पे है सात और आठ, सात पे है आठ, तो सात प्लस आठ बटा दो, सात में आठ जोड़ा पंद्रह, पंद्रह में हम दो का भाग देंगे तो क्या आएगा, दो एकम दो, दो सत्तर चौदह और एक बचेगा तो दो पंजे दस, तो माध्य कितना आ गया, सात पॉइंट पाँच। अब हमें क्या निकालना है, इसका बहुलक, बहुलक निकालना वेरी सिंपल है, इसमें देख लीजिए कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, तो आठ है जो तीन बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक भी क्या होगा, आठ। वह संख्या जो सबसे अधिक बार है, वह संख्या जो अधिक बार है, संख्या कौन सी है, आठ हमारे पास तीन बार है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आठ। नेक्स्ट हमारा जो होता है परिसर, हमें को निकालना है, परिसर निकालने के लिए इसका सूत्र होता है सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस करना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस करना है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें पंद्रह है, पंद्रह माइनस छोटी है एक, तो पंद्रह माइनस हम एक करेंगे तो कितना आएगा, पंद्रह में से एक गया तो कितना आएगा, चौदह, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, चौदह। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके के कॉन्टेंट आपको प्राप्त होता है।